हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में अपने पास है द ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी। और सीएनजी में गाड़ी के इंजन में कैसी क्या आवाज़ आती है, नहीं आती है, पेट्रोल में और सीएनजी में कितना क्या फ़र्क है इस गाड़ी के इंजन की आवाज़ में, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो इंजन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, और जो नॉर्मल साउंड है वो आप यहाँ पर एक बार सुन सकते हैं कि कितना क्या आता है। तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा साउंड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि थोड़ा एकांत में मैंने गाड़ी को खड़ा किया हुआ है। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो इंजन की साउंड आप सुन पा रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट इंजन है। यहाँ पे डुअल जेट का जो इंजन है वो मिलता है, और जरा सी भी जो एक्स्ट्रा नॉइज है वो यहाँ पे नहीं है। अब एक बार गाड़ी को सीएनजी में लगवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल में जो साउंड आप सुन रहे हैं उसमें सीएनजी में कितना क्या फर्क पड़ेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। सर सीएनजी में लगा दो एक बार। तो सीएनजी में जो आवाज़ है वो भाई यहाँ पे चेंज हो जाती है, थोड़ी सी किरकिर किरकी आवाज़ जो है वो आने लगती है। और वो सब गाड़ियों में ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजायर में ही ऐसा है, वैगनार में ऐसा है, टियागो में है, सब गाड़ियों में पेट्रोल और सीएनजी पे भाई फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो डिजायर का फ़र्क आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार फिर से पेट्रोल में लगवा लेते हैं। सर पेट्रोल लगाना। तो यहाँ पे जो आवाज़ है, जो कंपन है, वो बिल्कुल कम हो जाता है पेट्रोल में। सीएनजी में लगाओ सर, और सीएनजी में थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क यहाँ पे ज़रूर पड़ता है। तो वो आवाज़ आप यहाँ पे बिल्कुल सुन सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इनसाइड कैबिन में कितनी क्या नॉइज़ आती है जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं या रेव करते हैं, तो वो भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये भाई आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। ZXI वेरियंट है, तो यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। तो गाड़ी यहाँ पे बंद है। जो इनसाइड कैबिन नॉइज है, यानी कि हम खड़े खड़े में कितनी क्या आवाज सुन सकते हैं, वो 4 सेकंड आप सुन लीजिए। अब एक बार इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्या आवाज आती है। तो भाई गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम आप देख सकते हैं, लेकिन जो साउंड है अंदर वो बिल्कुल भी मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। बहुत ही सुपर साइलेंट इंजन आप इसको कह सकते हैं मारुति डिजायर का। सीएनजी में गाड़ी है, वो भी आप यहां पे देख सकते हैं कि सीएनजी का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद भी जो कैबिन नॉइज़ है वो मैं 10 सेकेंड चुप हो जाता हूँ, वो आप पूरी तरह से सुन सकते हैं। तो भाई बिल्कुल साइलेंट है कैबिन, कोई भी आवाज़ यहाँ पे नहीं है। एक बार रेव कर देता हूँ आपके सामने थोड़ा सा। तो भाई इतनी ही जो आवाज़ है वो कैबिन में पता चलती है, बिल्कुल साइलेंट कैबिन आप इसको कह सकते हैं। जब मैंने दरवाज़ा यहाँ पे खोल दिया है तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि बाहर की जो आवाज़ है वो कितनी क्या पड़ती है। तो मारुति डिजायर में भाई सीएनजी में भी बिल्कुल साइलेंट इंजन आपको मिलता है, और मारुति के इंजन की तो खैर और कोई कंपनी इतनी आसानी से बराबरी नहीं कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको मारुति के इंजन्स में मिलता है। तो अगर आप भी भाई मारुति डिजायर सीएनजी लेना चाहते हैं तो आप राणा मोटर सेक्टर 29 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बढ़िया शोरूम है, गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है, और आप आके देख सकते हैं कैसी गाड़ी है, नहीं है, फील कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं, सारे प्राइस फीचर्स आप यहां पे पता कर सकते हैं। तो सेक्टर 29 गुड़गांव में आप भी जा सकते हैं और इस गाड़ी को भाई देख सकते हैं। यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।